वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है 550 अरब डॉलर है स्पेंडिंग बजट है। और जारी बात है, ये बहुत बड़ा बजट है। रिसेंटली इंडिया में बजट पेश किया गया है और उसमें कश्मीर का जो हिस्सा दिया गया है वो 355 बिलियन रुपीस दिए गए हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में आए दिन क्राइसिस को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं, और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो तसीब मेरी हो सकती है, 600 बिलियन डॉलर हैं रिजर्व्स हैं। कोई एक लीडर उनका, उनके कोई बाहर प्रॉपर्टीज हैं, बाहर कोई रहते हैं, कोई एक नाम लिया जाए, कोई मोदी की है। पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर, कौम को एक और कमर तोड़ झटका देने की तैयारी कर ली गई। IMF का हुकूमत को पेट्रोल पर 17% टैक्स। मैं बेवकूफ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन बहुत सीधे हैं आप लोग, ठीक है। आप लोगों को ये भी नहीं पता IMF होता क्या है। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने तकरीबन 355 बिलियन रुपीज सिर्फ कश्मीर के लिए दिए हैं, तो ये पहले तो इतने पैसे नहीं कभी उन्हें दिए थे। इंडिया जो है स्ट्रॉन्गर इंजन है ग्लोबल ग्रोथ का। जिस कश्मीर की हम बात करते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट पेश किया। पाकिस्तान भारत के केंद्रीय बजट का आंकड़ा देख काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बजट बढ़ाए जाने के बाद अन्य विकास योजनाओं के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास और तेज होगा। जम्मू कश्मीर के लिए यूनियन बजट में 35,581 करोड़ और लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रदेश में सड़क और अन्य प्रोजेक्ट तैयार होने से सेना की सामरिक शक्ति बढ़ेगी। पाकिस्तान में भी भारत के केंद्रीय बजट की चर्चा होनी लाजमी है। पांचवीं बड़ी इकोनॉमी बनने के बाद कई देशों में भारत के बजट को बड़े ध्यान से देखा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खस्ता हालत पाकिस्तान के हालात बयान कर रही है, और IMF ने अपनी कड़ी शर्तें पाकिस्तान के सामने रख दी है। दोस्तों, इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीज का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है 550 अरब डॉलर है स्पेंडिंग बजट है। और जारी बात है, ये बहुत बड़ा बजट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आई वॉन्टेड टू टॉक, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इंडिया को एडवांटेज ये हुआ और मोदी सरकार को ये एडवांटेज हुआ कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार को 10 साल के लिए चुना, उसका रिजल्ट भी तो और एक बड़ा मजबूत मैंडेट दिया। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम है, उन्होंने भी ये बात की है कि जी स्ट्रॉन्ग मैंडेट ही स्टेबिलिटी लेके आता है, और इसीलिए जो आइडिया ऑफ इंडिया वो अट्रैक्टिव हुआ। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकी। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हमेशा जो सियासतदान हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कम हो, ताकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। जबकि भारत में आप ये देखें कि वहाँ पे 5 साल एक टेन्योर निकाला, 5 साल वो ऑलमोस्ट दूसरा टेन्योर, अगले साल मेरा ख्याल है इलेक्शन है उनके। अब आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं, और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डॉक्टर जय शंकर हैं, वो हैं तो इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन वो सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो पांचवा, वो कहते हैं जी पांचवीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, पांचवीं लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हमने अपना जो दुनिया के सामने बजट रखा है, उन्होंने बेसिकली 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें गिनाई हैं।
उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो एक पहली बात उन्होंने ये कि नहीं नहीं इंडिया जो है स्ट्रॉन्गर इंजन है ग्लोबल ग्रोथ का, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है वो तकरीबन 10 ट्रिलियन रुपीज़ है, ठीक है जनाब, इंडियन रुपीज़, जो कि तकरीबन 3% ऑफ द GDP है। यानी कि आप देखें कि वो कह रहे हैं ग्रोथ ही हम से हो रही है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। दिस इज़ वॉट ही इज़ टेलिंग टू द वर्ल्ड, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग डॉक्टर जयशंकर एज ए मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, मुझे नहीं याद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो है फॉरेन मिनिस्टर है वो फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो आके ट्वीट करें या लोगों को बताए या फॉरेन ऑफिस जो है वो अपनी प्रेस रिलीज बताए और कहे कि देखो ये इकॉनमी है ये मेरी सक्सेस है। दूसरी बात हम एक बात सुनते हैं, मैंने जितनी भी आप ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं जो रिस्क एनालिसिस करते हैं आप उनको सुने तो वो एक चीज़ कहते हैं जी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इंडिया, वो कह रहा है जी कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें बड़े उन्होंने जो सिंप्लीफिकेशन KYC प्रोसेस है उनका सिंप्लीफिकेशन लेके आए हैं और इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने की हैं जिससे वो जिसे सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर उन्होंने बनाए हैं और ये चीज़ें जो हैं बेसिकली दे आर गिविंग लॉट ऑफ वैल्यू इन टर्म्स की जी हम अब दूसरी इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उसको खींचेंगे। पहले वो बता रहे हैं कि हम इंजन ऑफ ग्रोथ हैं, फिर वो कह रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, आओगे तो रेड कारपेट बिछा पड़ेगा। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सिर्फ चीनियों को ही रेड कारपेट मिलेगा और वो भी चीनियों ने ज़बरदस्ती डलवाया हमसे रेड कारपेट क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था देने का, हमने वो फटाफट वो महंगे दामों वो सूद वाले कर्जे तो ले लिए और अब वो किसी और मुल्क को हम वो फेवर देने को तैयार नहीं थे जिसके ऊपर आई हैव पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट एंड आई हैव मेट पीपल जिन्होंने कंप्लेंस की हुई हैं। और अब जब फॉरेन डायरेक्ट जब इसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आती है बात तो वो कहते हैं जो ठीक है हम जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स सपोर्ट देंगे मैन्युफैक्चरिंग को, कंप्लायंस हैं, इनकम टैक्स के बेनिफिट्स हैं, स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स देंगे। दिस इज़ व्हाट वो अपना दुनिया को इमेज ये दिखा रहे हैं। फिर वो बात कर रहे हैं कि जी हम अच्छी लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रेलवे आउटले की बात कर रहे हैं कि जो रेलवे है वो तकरीबन उसका जो आउटले है वो 240 बिलियन का है, ठीक है जी रुपीज़, 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, 50। ऑन दी अदर हैंड एक चीज़ याद रखें, इंडिया इज़ टू बिग, इंडिया इज़ अ कंट्री फॉर 1.4 बिलियन पीपल, इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री फॉर 200 मिलियन पीपल और 300 मिलियन पीपल और 400 मिलियन और 500। इवन आप देख लें अमेरिका भी जो है दैट इज़ अ कंट्री फॉर 350 मिलियन पीपल। ओके, सो ये चीज़ें जो हैं ये लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। रिसेंटली इंडिया में बजट पेश किया गया है और उसमें कश्मीर का जो हिस्सा दिया गया है वो 355 बिलियन रुपीस दिए गए हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में आए दिन क्राइसिस को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी पीपल पार्टी, कभी PTI, कभी नो लीग, कभी जमात इस्लामी, तो कभी कोई पार्टी, लेकिन हर एक प्रोटेस्ट में, हर एक जलसे में अगर नारा लगाया जाता है वो यही लगाया जाता है भारत का जो यार है वो गद्दार है। इंटरनेशनल लेवल पर हम जाके कहते हैं कि हमें रिलेशन बेहतर करने हैं, पब्लिक को हम बताते हैं कि भारत का जो यार है वो गद्दार है। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल पार्टी का यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है, उनके रहनुमाओं से, उनके लीडर से बात करेंगे कि क्या ये दोगली पॉलिसी नहीं है। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रही है, दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, जिस कश्मीर की हम बात करते हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। इनसे देखें हमारे पास है भी नहीं जो तुम्हें हजम नहीं है, मतलब हजम में हमारे कंट्री मतलब जैसा कि हम सुनते हैं कि एक हमारे साथ ही कंट्री है वो इतना हमसे इतना आगे बढ़ चुका है। हम तो एक एक बिलियन के लिए भीख मांगने कभी कहीं पे जाते हैं, कभी कहीं पे जाते हैं एक बिलियन के लिए, तो वहां पे 45 ट्रिलियन की इतनी बड़ी इकॉनमी और हमारी लाइट चली गई है। वीडियो बनाते बनाते ही बोल रही थी तो उसी में लाइट चली गई, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। यही हालात है आप देख सकते हैं, टैक्स इतना महंगाई, इतनी सब कुछ, बिजली भी नहीं मिलती, फिर बिजली का बिल भी इतना ज्यादा आता है। लेकिन इंडिया एक साइड पे देखते हैं वो इतना ज्यादा अपना बजट उन्होंने पेश किया और पाकिस्तान है कि गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।